साला मारा नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं चल रहा हूँ आज कोरोना का वैक्सीन लेने, फर्स्ट डोज। तो पब्लिक में चलने से पहले क्यों ना थोड़ा मास्क लगा लिया जाए। तो कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए हमें चाहिए होगा आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट देने से काम बन जाएगा। तो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दोनों हमने साथ में रख लिए हैं और लेकर के निकलते हैं। उधर बस पार्क के अंदर में पता चला कोरोना की वैक्सीन लग रही है, तो वहां पर चलते हैं और आप लोगों का नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बस पार्क के पास में ही दो तीन मॉल, ऐसे बड़े बड़े मॉल हैं जिनमें से एक ये आपके सामने बुद्ध मॉल का नज़ारा, और उसके बुद्ध मॉल के सामने में मतलब ये सभी जो आप देख रहे हैं कंधे पे कपड़े वगैरह जो लटकाए हुए हैं और भी कई सारी दुकानें रहती, लेकिन दिन में क्या है नगर पालिका के डर के वजह से यहाँ पर दिन में बिजनेस व्यापार देखने को नहीं मिला, लेकिन शाम में इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा मतलब फुटपाथ के जो व्यापार व्यवसाय होते हैं वो बहुत ही अच्छा चलता है। तो अभी ये नया बना हुआ जो मॉल है लोत्से मॉल, बहुत ही बड़ा एकदम भव्य है। अब तक इसमें कई सारे जो स्पेस है दुकान के शटरें वगैरह वो खाली है, अगर आप लोग चाहें अपना दुकान शॉप ओपन करने के लिए तो यहाँ पर आकर के एक बार बात कर सकते हैं, क्या रेट है, क्या कैसे मिलेगा, वो सारा प्रोसेस। एक ऑफिस खुला हुआ है, उस ऑफिस में जाकर के आपको बात करना हो। और ये रहा विष्णुमती खोला, काठमांडू के जितने भी गंदे नाली के पानी होते हैं तकरीबन इसी के सहारे आगे बढ़ता है, और बाबा जी यहाँ पर अपना दक्षिणा मांगते हुए। तो दरअसल इस जगह पे ना मतलब बहुत ही कम गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, आपको पता है क्यों? क्योंकि अभी जोड़ बिजोड़ यानी कि जोड़ा नंबर प्लेट जिन गाड़ियों का है वो चलेगा, बिजोर नंबर वाला अगले दिन चलेगा। और यहाँ पर क्या था कि पहले ओवर ब्रिज था, यानी कि रोड को आर पार करने के लिए ऊपर से एक ब्रिज दिया गया था, उसके सहारे आर पार किया जा सकता है। हालांकि अब भी ब्रिज को तोड़ दिया गया है, अब कारण पता नहीं क्यों फिर बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी ऑफिशियली जानकारी मुझे अब तक नहीं है। और ये बस पार्क का जो नज़ारा है देख सकते हैं, इसके अंदर अब दोनों मॉल है। ये देखिए कितने छोटे बच्चे हैं, लेकिन जिम्मेवारी देखिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी लिए हुए अपने घर परिवार का, दाढ़ी भी नहीं आई हुई सही से, लेकिन फिर भी कंधों पे अपनी जिम्मेवारी को देखते हुए। भाई सबकी ज़िंदगी सेम नहीं होती है ना, चलिए छोड़िए इस बात को। और आगे देखिए यहाँ पर ये दो मॉल है, एक साइड में आपको लोत्से मॉल दिख रहा है और दूसरे साइड में आपको कांतिपुर मॉल दिख रहा है। ठीक इसके बीचों बीच एक रास्ता निकला हुआ है, उस रास्ते के सहारे हम अंदर तक जाएंगे तो बस पार्क का जो टिकट काउंटर्स वगैरह होते हैं वो सारे वहीं पर है। नेपाल के किसी भी कोने में जाना हो आपको तो यहाँ पर इजी तरीके से आपको टिकट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग बस पार्क ये जो देख रहे हैं ये सड़क के रास्ते आगे तक, मतलब पूरा बस पार्क में एंट्री लेना हो तो इस रास्ते से आगे तक एंट्री ले सकते हैं, बस पार्क है ये। और ये मेरे बगल में ये कांतिपुर मॉल, और इधर में ये वाला लोत्से मॉल, और इधर में ये वाला लोत्से मॉल। इन दोनों मॉल के बीच में एक रास्ता गया हुआ है, उस रास्ते के सहारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कोरोना का खोप जो है वो वहाँ पर लग सकता है। और कोरोना के वैक्सीन सेंटर को खोजते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये मतलब कुछ होलसेल के मोबाइल एक्सेसरीज से संबंधित होलसेल दुकानें हैं जो खुली हुई है, कई दुकानें बंद भी है। और हम लोग रोड के थोड़ा इस पार में अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ भीड़ दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे कोरोना का जो टीकाकरण है, कोरोना का जो वैक्सीनेशन का है वो यहीं पर लग रहा है मुझे। ये बस पार्क का नज़ारा है, मैं किसी अन्य दिन आऊँगा इस बस पार्क को पूरा एक्सप्लोर कर दूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो अभी टीकाकरण का जो काम करने आए हैं पहले इसको निपटाते हैं। और यहाँ पर हमने कई लोगों से बात किया है तो वे लोग जो लाइन में खड़े थे तो उनका कहना है कि यहाँ पर कोविशील्ड का डोज दिया जा रहा है जो कि फर्स्ट डोज है। तो हम भी गए, थोड़ा सा आगे गए, देखे, लोगों से मुलाकात किए, और ऑफिस में भी ये देखे तो स्टाफ काफ़ी अच्छा थे। वैक्सीनेशन का काम जो था वो तीव्र गति का था, तो हम कहें कि 100-150 लोग है यहाँ पर, अगर लाइन लगते हैं तो 1-1.5 घंटा का समय लग जाएगा, 1-1.5 घंटा में अपना भी वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लाइन लग गए
और देख सकते हैं ये जो लाइनें हैं, दो साइड लाइन लगी थी, ये जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने है ये लाइन जो है फर्स्ट डोज वाले का था। फर्स्ट डोज में भी कई सारे लोग अभी छूटे हुए हैं, फर्स्ट डोज लेने के लिए वे सभी लाइन में लगे हुए हैं। और इसके दूसरे साइड की हम बात करें तो दूसरे साइड में यहाँ पर सेकेंड डोज का जो वैक्सीनेशन था, इस खिड़की के पास से सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन चल रहा था, तो सेकेंड डोज वाला वैक्सीनेशन ख़त्म हो गया है, फर्स्ट डोज वाले का लाइन अभी लगा हुआ है। इसी फर्स्ट डोज में हम भी लाइन लग गए और मेरा भी वैक्सीनेशन का जो काम था वो करवा लिया। अगर आप भी कभी आते हैं वैक्सीनेशन का काम करवाने, कोविड का टीका लगवाने आते हैं तो देख लीजिए, ये एक बड़ा सा घड़ी है, इसको घंटा घर बोलते हैं, ठीक किसी के पास में आएंगे तो आपको वैक्सीनेशन का जो ऑफिस है वो दिख जाएगा। और बस पार्क में गाड़ियाँ एंट्री लेती हुई यहाँ पर खपतड़ एयर सस्पेंशन, मतलब कई सारे जगहों पे यहाँ का जो गाड़ी है जाता है। और ये मैं यानी कि आपका भाई लाइन लग चुका है वैक्सीनेशन के लिए। तो फाइनली अब जब भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो यहाँ पर हमें जो सेकेंड डोज वाला जो खिड़की था वहाँ पर फर्स्ट डोज लगाने की बात हुई है, तो हमें कुछ लोगों को, मतलब जो लंबी लाइनें थी कुछ लोगों को मतलब साइड बदल दिया गया। तो चलिए इस साइड से आइए, आपको फर्स्ट डोज का भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। और कुछ स्टाफ्स लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे हैं। तो फाइनली बहुत ही कड़ी परिश्रम के बाद में अपना जो वैक्सीनेशन का जो काम था वो हो गया। देख सकते हैं मेरा नाम आशिक अली, 26 साल का मेल, नया बस पार्क में अपना जो वैक्सीनेशन का काम हुआ है, कोविशील्ड का हमने डोज लिया है। और नेक्स्ट डोज जो सेकेंड डोज का लगेगा वो अब दो या मतलब 60-70 दिन के बाद में ही हमको मिलेगा जहाँ तक मुझे पता है। और इस साइड में वैक्सीनेशन का कार्ड जो है वो इंग्लिश में छपा हुआ है। और बस पार्क के आसपास में ये जो दुकानें आप लोग देख रहे हैं, चॉकलेट वगैरह की दुकानें, विदेशी चॉकलेट वगैरह यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्शन वाले जो चॉकलेट्स होते हैं और प्यारे प्यारे स्वादिष्ट चॉकलेट, गुंदपाक, कुष्ठकारी, ये सब यहाँ का जो है फेमस है। कभी आते हैं तो ये सभी चीज़ें, गुंदपाक, कुष्ठकारी और क्या बोलते हैं जो चॉकलेट वगैरह है, और वो सब ले जा करके आप लोग अपने घर परिवार को दे सकते हैं। तो फाइनली जो वैक्सीनेशन का जो काम था वो आज हो चुका है। 26 जनवरी 2022 को हमने कोविशील्ड का पहला डोज लिया। यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा अपना प्रूफ कार्ड, और आईडेंटिटी के तौर पे हमने आधार कार्ड लेकर के गया हुआ था। तो अभी चलते हैं, अब अपना काम ओके हो गया, अब निकलते हैं। आप लोगों से कोई अगर फर्स्ट डोज का कोविशील्ड या कोई अगर कोविड का वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो न्यू बस पार्क आपके नज़दीक पड़ता है तो आ सकते हैं। सैटरडे ऑफ है, बाकी 6 दिन आप 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक वैक्सीन का काम होता है, आ सकते हैं। कि आपको भी अगर वैक्सीनेशन करवाना है, कोविड का जो वैक्सीन है वो लगवाना हो, तो कोई भी आप एक अपना प्रूफ लेकर के आए जिसमें आप अपने आप को प्रमाणित कर सकते हैं, चाहे आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या हो सके तो एम्बेसी कार्ड हो, कोई भी एक प्रूफ लेकर के आइए और आपको वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा, जो कि अभी ज़रूरी भी है। कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अभी सरकार इस चीज़ को जो है ना बहुत ही मतलब सीरियस तरीके से ले रही है। आपको हर एक जगह सार्वजनिक जगह पर जाते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूरी। तो ठीक है, तो आज का ब्लॉग हम इतना ही रखेंगे। अगर कुछ पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अन इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।